नमस्कार। ये हाथ अगर कहा जाए, 33 वर्षीय एक युवक का हाथ है, 33 वर्ष की उम्र है इनकी। ये जातक अगर कहा जाए हिंदुस्तान का निवासी है, इस समय पे विदेश में व्यवसाय करता है, पिछले 10 सालों से अगर कहा जाए विदेश में है, और विदेश में भी बड़े स्तर का व्यवसाय अगर कहा जाए, वहाँ पर कुछ ऐसी कंपनियाँ इसने खोल रखी हैं जिससे अगर कहा जाए इस उम्र में इतना ग्रोथ, इतनी तरक्की किन कारणों से है, उस पर चर्चा करेंगे। कौन सी ऐसी रेखा हैं जो ये ग्रोथ को दिखाती हैं, तरक्की को दिखाती हैं, एक बिंदु। दूसरी बात अगर ये कहा जाए, जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि मैं वीडियो जो है डायरेक्ट एक एक रेखा के बारे में बताता हूँ, बीच बीच में जो है कुछ वीडियो मैं जरूर डालता हूँ आपको प्रैक्टिकल करने के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि रेखाओं का मकरजाल, रेखाओं का आपस में संबंध व्यक्ति को बड़ा या जमीन पे गिराता है, कोई भी कारण हो। जब ये जातक मुझसे मिला तो इसके कुछ प्रश्न थे। उन प्रश्नों में ये भी था कि आने वाले समय में इस काम को मैं कितना बढ़ा पाऊंगा, जो भी काम कर रहा हूँ, फैक्ट्री का काम है, जो भी काम है और बड़े स्तर का काम है, इसको मैं कितना बढ़ा पाऊंगा और कब मुझे सतर्क रहना है। एक चीज़ बड़ी अच्छी है, जब दिन आदमी का खराब होता है, जब समय आदमी का खराब होता है, तो ज्योतिष के चक्कर लगाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, चंद लोग ऐसे कहा जाएगा, 1-2% लोग जो ये पूछते हैं कि आने वाले समय में कब मेरी स्थितियां गड़बड़ होंगी, उस समय पे मैं सतर्क हो जाऊं, उस समय को लेके कुछ चीज़ें मैंने इनको बताई कि आने वाला समय आपका जो है थोड़ा सा गड़बड़ है 1.5-2 सालों का, और इसका आपको परिणाम पिछले 3-4 महीने से दिख रहा होगा, कामों में और अड़चने, पैसा फंस जाना, जो काम चलाना चाह रहे हैं या काम शुरू करना चाह रहे हैं उसमें अवरोध उत्पन्न हो रहा होगा, और खासकर मैं इस समय पे कहूं तो आपका पैसा बहुत फंस रहा होगा। क्यों मैंने कहा, किन कारणों से कहा कि 1.5-2 साल अभी जो है धन आपका जो है डूबेगा, और किन कारणों से मैंने कहा कि आज अगर आप 3 कंपनियों के मालिक हैं तो आने वाले समय में आप 13 कंपनियों के मालिक होंगे, मतलब बेहद धन, जिसे कहते हैं थोड़ा मोड़ा धन नहीं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा उन लोगों से जो ये समझते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये बिल्कुल गलत है। राजा ऐसा नहीं कहा जाएगा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, गरीब घर का है, मध्यम क्लास के नीचे की फैमिली है, पिता मेरे हिसाब से अगर कहा जाए उसकी बातों के अनुसार तो 15-20 हज़ार की नौकरी जो है उन्होंने पूरे जिंदगी निकाल दी, 5 बहनें 1 भाई, ऐसा मत समझना। और खासकर मैं बच्चों को कहना चाहूँगा, ऐसा मत समझना, जीवन में मेहनत करना और खूब मेहनत करना, राजा का बेटा राजा बनते होंगे मैं कहूँगा, लेकिन मैं ये भी कहूँगा उसके साथ में, जितने भी आप बड़े लोगों को आज की डेट में देखते हो वो कहीं ना कहीं सभी जो है लगभग 90% गरीब घर के थे, ठीक है। राजा का बेटा ऐसा नहीं होता है कि राजा ही बनता है। बहरहाल एक एक करके बिंदुओं पे, बिंदु दर बिंदु में आपकी इस हाथ पे बात करेंगे। एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ कहना चाहूँगा, कोई भी रेखा, जितनी भी मैंने रेखाएँ खींची हैं, हर रेखा का अलग अलग महत्व होता है। अगर यहाँ पर मैंने कुछ चंद्रमा के पास ये रेखा खींची है जो इनके हाथ में है, तो केवल ये पैसे को ही नहीं दिखाती है, इसके साथ में ये भी दिखाती है कि बच्चे की जो जातक की जो भी संतान होगी वो लेट होगी, एक बात, नहीं तो पहली संतान जो है खराब होगी। मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी मैंने रेखाएं खींची हैं इनके कई मतलब होते हैं। जैसे कुंडली में भी कहा जाता है, जन्म कुंडली में, कि देवगुरु बृहस्पति कई चीज़ों के कारक हैं, चाहे वो संतान हो, चाहे पुत्र संतान हो, चाहे धन हो। विवाह के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का विचार किया जाता है, अच्छे कर्म बुरे कर्म के लिए भी कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का विचार किया जाता है। अगर अच्छी अवस्था में है, लगन से या पंचम से या नवम से संबंध बना रहा है या लग्नेश से संबंध बना रहा है, तो अच्छे कर्म या सोचने समझने की क्षमता व्यक्ति के अंदर अच्छी होती कि ये चीज़ें गलत हैं और ये चीज़ें सही हैं। उसी तरीके से रेखा भी जो है अगर कहा जाए कि भाग्य रेखा,
केवल भाग्य रेखा है, बिल्कुल इसमें कहा जाएगा। भाग्य रेखा अगर कहें तो बहुत सारी चीज़ों को दिखाती है। आज के वीडियो में इनके काम पे बात करेंगे और आने वाले समय में क्यों इनको मैंने कहा कि 1.5-2 साल खराब होने जा रहे हैं, इस समय पे कोई भी नया काम मत करना और किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना, कोई अपना ही आपको धोखा देगा और आपकी अच्छी मात्रा में धन डूबेगा। चलिए एक एक करके एक एक बिंदु पे हम बात करेंगे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, इस हाथ को मैंने इसलिए लिया कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विरले हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मिल जाती हैं, लेकिन कुछ अलग चीज़ें हैं। इसको दिखाने का मतलब कुछ अलग चीज़ें हैं, इसलिए इस हाथ का मैंने चयन किया। सबसे पहले एक तरफ से हम बात करते हैं अंगूठे से। देखिए अंगूठा अगर इनका कहा जाए, अंगूठा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, आपने फोटो में देखा होगा, मैं कह दूंगा बीच बीच में ओरिजिनल हाथ उनका लगाते रहेंगे। अंगूठा अगर देखा जाए फ्लेक्सिबल है, अंगूठे पे यव का साइन, मैंने कई वीडियो बना रखी यव के साइन पे, उसको देख लीजिएगा, डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। अंगूठे पे यव का साइन, एक चीज़ आप समझिए, समझने वाली चीज़, जब भी अंगूठा नीचे से पतला हो और जहाँ पर यव का साइन यहाँ या फिर यहाँ पर मुड़ता है, इस जगह पे अच्छी मात्रा में अंगूठा उठा हो, इस जगह पे अच्छी मात्रा में अंगूठा उठा हो, उसके बाद अंगूठा जो है पतला हो के जो है पीछे जा रहा हो, फ्लेक्सिबल जिसे कहते हैं, ऐसे लोग कहा जाए स्वतंत्र काम करते हैं। फिर से मैं एक बार बता दूं, अंगूठा पतला है, जहाँ से मुड़ता है उस जगह पे हल्का सा चौड़ा, सबका होता है चौड़ापन है, लेकिन जहाँ से मुड़ता है उस जगह पे कछुए की पीठ के समझ लीजिए आप, इस तरीके से कर्व हो, ठीक है, और यहाँ पर जो है जौ का साइन हो और अंगूठा जो है 3-4 भागों में बटाओ, भाग मतलब यहाँ पर रेखाएं हो, कह दीजिएगा खुल के तुम बहुत धन कमाओगे। केवल एक बिंदु को मैं देख के कहूँगा, किसी के हाथ में मिल रहा है तो आप कह दीजिएगा अच्छा मात्रा में आप धन कमाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जीवन में अच्छी तरक्की करेंगे, एक बात। दूसरी चीज इनके हाथ में अगर देखें, एक एक तरफ से मैं बताऊंगा जिससे आप भी कंफ्यूज ना हो और मैं भी कंफ्यूज ना हो। इस हाथ में अगर देखा जाए गुरु का क्षेत्र, यहाँ पर बड़ा बड़ा भी मैं करके बता देता हूँ, ये गुरु का क्षेत्र है, ये इनकी जीवन रेखा है, ठीक है, जीवन रेखा से एक रेखा इनकी निकली गुरु के क्षेत्र में और उससे एक रेखा और निकल रही है, ठीक है, उसमें एक ट्रायंगल बन रहा है इस जगह पे। देखिए ट्रायंगल का महत्व हमारे जीवन में बहुत है, एक साइन है ट्रायंगल और ये जीवन में बेहद सफलता को दिखाता है। ये ट्रायंगल बना और ट्रायंगल के नीचे अगर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल और बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन आएगा और रुकेगा, व्यक्ति नामी होगा, नामी मतलब कि उसका अच्छा नाम होगा, कहीं ना कहीं ऐसे लोग एकाग्रचित होके काम करते हैं और हमेशा अपनी आंख कान खोल के चलते हैं। ज़्यादातर मैं ये कहूँगा कि व्यक्ति अपने दिमाग पे, अपने भरोसे पे, अपनी मेहनत पे ज़्यादा भरोसा करता है, ऐसे लोगों का नाम भी होता है। अगर यहाँ पर इस जगह पे 2 ट्रायंगल बनते हैं तो इस जगह पे 2 ट्रायंगल बनते हैं तो ऐसे लोगों का जीवन में अच्छा नाम होता है, पैसा भी आएगा, खूब आएगा और रुकेगा भी। इसके बाद इस हाथ में अगर देखा जाए शनि की उंगली और गुरु की उंगली, शनि की उंगली और गुरु की उंगली, ठीक है, ये मैंने पॉइंट खींचा है। इसके नीचे आप देखेंगे एक ट्रायंगल बॉक्स कहा जाएगा, एक बॉक्स जो है एक खुला हुआ बॉक्स बन रहा है, खुला हुआ मतलब चारों भुजाएं अगर कहा जाए मिली नहीं है, ऐसे में भी ये कहा जाता है कि व्यक्ति को सावधानी पूर्वक चलना है, ठीक है। पहले अच्छी चीज़ मैं बता देता हूँ, फिर इन किन किन कारणों से मैंने कहा इनको या अगले 1.5-2 साल का पीरियड क्यों इनका खराब है वही बताऊँगा। इसके बाद अब इनके आ जाइए अच्छी चीज़ें, कौन कौन से बिंदु इनके हाथ में या आपके हाथ में अगर हैं तो जीवन में अच्छे स्तर का धन कमाएंगे। सूर्य की अगर उंगली की नीचे की बात करें, सूर्य की रेखा, ये सूर्य की रेखा है, इससे एक रेखा जो है इनकी, ठीक है,
नीचे गई, यहाँ पर भी अगर देखा जाए एक ट्रायंगल बन रहा है, एक रेखा इनकी ऊपर जा रही है और एक रेखा ये मिल रही है। इस ट्रायंगल को अगर देखें और सूर्य की रेखा को देखें, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का भाग्योदय कम उम्र में होगा। एक बात, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, रेखा हृदय रेखा पे मिले या हृदय रेखा से नीचे जाए सूर्य की रेखा, तब ये कहा जाएगा कि कम उम्र में इनका भाग्योदय हो जाएगा, अगर ट्रायंगल भी बन रहा है तो। एक बार दूसरी चीज़ अगर इसमें देखा जाए, ऐसे व्यक्तियों के पास दो माध्यमों से धन आता है। अगर इस टाइप से ट्रायंगल बने, एक रेखा नीचे जाए एक रेखा ऊपर जाए और उसमें जो है ट्रायंगल बने, ऐसे व्यक्तियों के पास दो माध्यमों के ऊपर धन आता है। कम से कम दो माध्यम तो रहेंगे धन कमाने के लिए। सामान्य शब्दों में या आपके भाषा में अगर कहा जाए मल्टीपल, ठीक है, काम ऐसे लोग करते हैं और जीवन में सफलता भी पाते हैं, जिसे कहते हैं खूब सफलता पाना। इसके बाद अब किसी भी व्यवसाय को देखने के लिए इन रेखाओं का देखा जाना जरूरी है। मैं पीछे भी बता चुका हूँ, फिर भी व्यवसाय की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। अगर इस जगह पे, ठीक है, अगर इस जगह पे खड़ी खड़ी अगर कहा जाए तीन रेखा, पांच रेखा, सात रेखा या नौ रेखा हो, फिर से मैं बोलता हूँ विषम संख्या में तीन रेखा, पांच रेखा, सात रेखा, नौ रेखा हो, तो ऐसे लोगों का व्यवसाय तेजी से चलता है। ठीक है, ऐसे लोगों का व्यवसाय तेजी से चलता है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जीवन में सबसे अच्छा पीरियड अगर कहा जाए तो वो पीरियड जो है 35 वर्ष की आयु से 38 वर्ष की आयु में मेन सफलता पाता है। 38 का 39 वर्ष की आयु में, शुरुआती दौर में अगर कहा जाए तीन रेखा, पांच रेखा, सात रेखा, नौ रेखा, हालांकि इस पर बहुत लंबा एक पूरा मैं वीडियो बना सकता हूँ। रेखाओं का मतलब क्या होता है, दो रेखा, चार रेखा अगर किसी भी माउंट के नीचे बन रही है या किसी उंगली पे बन रही है, उसका क्या मतलब है। अब गुरु पे अगर तीन रेखा बन रही है, ऐसे व्यक्ति सदैव अपने मित्र से दुखी रहेंगे, ऐसे व्यक्ति सदैव जो है अगर कहा जाए छल जाएगा, छल लिए जाएंगे, कोई ना कोई हित मित्र जो है उनको धोखा देगा। तीन रेखा अगर इस जगह पे तीन रेखा बने और शनि के नीचे जो है, इस पे पूरा वीडियो मैं बनाऊंगा आने वाले समय में। अभी आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि ये रेखाएं अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छी हैं और जीवन में खूब तरक्की देती हैं। इसके बाद कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं इनके चंद्र पर्वत पे, कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा जब बनना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, जब बनना, जैसे इनकी रेखा बड़ी स्पष्ट और गाढ़ी थी, मतलब पुरानी रेखा बनी थी, आज की रेखा नहीं, ये दो चीज़ों को दिखाती है। व्यक्ति घर से दूर जाके काम करेगा, एक बात, दूसरी चीज़ ये भी दिखाती है कि जीवन साथी या पहली संतान के आने के बाद व्यक्ति को तरक्की मिलेगी। जीवन साथी नहीं तो पहली संतान जो होगी उसके बाद जीवन में खूब तरक्की मिलेगी। घर से दूर जाके बसने को भी दिखाती है और व्यवसाय और धन के लिए बेहद अच्छी मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए सात्विक नेचर के होते हैं। सात्विक नेचर मतलब कि बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करते, बहुत ज़्यादा चटक पटक में नहीं रहते, ठीक है, सात्विक नेचर के ऐसे लोग होते हैं। इसके बाद ये इनकी जीवन रेखा, ठीक है, जीवन रेखा मैं बहुत बार बता चुका हूँ, गोल होती है, जितनी गोल होती है उतनी अच्छी है। मस्तिष्क रेखा अगर नीचे चंद्रमा की उतर रही है उतनी ही अच्छी कहलाती है, ठीक है, मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए नीचे जाके जो है पतली हो जाती है उतनी अच्छी कहलाती है। इनके अगर कहा जाए इस जगह पे जीवन रेखा से एक रेखा निकल रही है और इस जगह पे ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ट्रायंगल बनना बेहद अच्छा संकेत, बड़े उद्योगपति को दिखाता है। और इनके हाथ में अगर कहा जाए दो ट्रायंगल बन रहा है, एक भाग्य रेखा से एक स्वास्थ्य रेखा से, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बड़े स्तर का काम करेगा। एक बात, कहीं ना कहीं जल से संबंधित, पानी से संबंधित, खाने पीने से संबंधित या पेट्रोलियम से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति बेहद तरक्की पाएगा, जिसे कहता है थोड़ा मोड़ा नहीं तरक्की, बेहद तरक्की पाएगा और आने वाला समय व्यक्ति के लिए बेहद अच्छा है, ये इसको दिखाती है। इसके बाद अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जो इनको बैकड्रॉ है, जिस कारण से मैंने कहा डेढ़ दो साल अभी रुक जाओ। इस हाथ को देखने के बाद ये तो जरूर मैंने कहा धन तो आता रहेगा,
लेकिन धन मान लो 10 रुपये आया और 5 रुपये आपको धोखे से आपका चला गया, वाली स्थितियां पैदा हुई। अब एक एक करके मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये इनकी जीवन रेखा है, ये वाली इनकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा से आप देखेंगे तो दो मछली का साइन बन रहा है। अगर एक रेखा हो जीवन रेखा से मिले शुक्र के क्षेत्र से, ऐसे में कहा जाता है कि अच्छा है। अगर ये मछली का साइन आड़ा बन रहा है, आड़ा मतलब बैठी रेखा, और जीवन रेखा से मिले शुक्र के क्षेत्र से जाके मिले, तो ऐसे में कहा जाएगा किसी करीबी के कारण व्यक्ति के धन का नुकसान होगा। ठीक है, एक बार इनके हाथ में अगर देखा जाए तो मंगल क्षेत्र से एक राहु की रेखा आ रही है। राहु का रेखा का मतलब ये हो गया कि ये रेखा ये आई और ये राहु क्षेत्र पे आके वी की आकृति बन गई। आप देख पा रहे होंगे इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति का एक्सीडेंट या शारीरिक दिक्कत या दुर्घटना होने वाली है, अपने आप को बचा के चलिएगा। कम से कम 1.5-2 महीना-3 महीने की सिरदर्दी बढ़ने वाली है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि हॉस्पिटल के चक्कर लगाने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाए। इस रेखा का ये भी मतलब होता है कि ये पहले स्वास्थ्य पे असर डालती है या शरीर पे असर डालती है, उसके बाद व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं धन को लेके तनाव या धन से संबंधित चीज़ों में तनाव उत्पन्न करती है। दूसरी बात, इनके हाथ में अगर देखा जाए चंद्र, चंद्रमा मतलब मन, ये चंद्र की रेखा है और जीवन रेखा और चंद्रमा की रेखा जहाँ मिल रही है उस जगह से 2 से 3 रेखाएं आप देख रहे होंगे। और ये रेखा जो है, बड़ा करके मैं बता देता हूँ, ये चंद्रमा की रेखा है, ये अगर कहा जाए जीवन रेखा है, ये अगर कहा जाए कुछ रेखाएं इनकी ऐसे आ रही हैं, और ये भाग्य रेखा इनकी है और इसको टच कर रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कुछ ऐसे निर्णय व्यक्ति जल्दबाजी में या बुद्धि या आंखों पे पर्दा व्यक्ति के पड़ जाएगा और कुछ ऐसे निर्णय लेगा आने वाले समय में जो उसके कार्यों में अवरोध उत्पन्न करेंगे और कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान व्यक्ति को देंगे। 2 पॉइंट। तीसरा बिंदु मैंने शुरुआत में जिक्र किया था बॉक्स का। बॉक्स अच्छा है, अच्छा साइन है, लेकिन जब भी शनि की उंगली और गुरु की उंगली के बीच में बॉक्स बने और वो भी खुला, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का धन का नुकसान होने वाला है। और इस बॉक्स का ये भी मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या घर पे आने वाली है जिसमें दवाइयों से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति का धन का नुकसान होगा। हाथ में अगर देखा जाए गुरु की उंगली पे 2 से 3 रेखाएँ, ठीक है, अभी मैंने शुरुआत में आपसे कहा था 3 रेखाएँ, शुरुआत में मैंने कहा था गुरु की उंगली पे 3 रेखाएं अच्छी नहीं होती। ये रेखा ये कहती है व्यक्ति 34 से लेके 36, 34, 35 और 36 2.5 सालों का पीरियड व्यक्ति के लिए धन का व्यय, धन का नुकसान को ये इंगित करता है, को ये दिखाता है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये रेखा यहाँ पर टूट रही है, ये खराब है व्यवसाय के लिए। एक बुद्ध की रेखा, अगर स्वास्थ्य रेखा या अलग अलग नाम है इसके जो है, बुद्ध की रेखा, स्वास्थ्य की रेखा, कुछ लोग धन की रेखा भी कह देते हैं, ये भी अगर देखा जाए टूटती हुई जो है एक बगल में छोटी सी रेखा खींच रही है, ये भी अच्छा नहीं कहलाएगा। ये अगर कहा जाए ये भी अच्छा नहीं है। तो सामान्यता मैंने आपको बताया एक एक करके कौन कौन सी रेखाएँ अच्छी हैं, कौन कौन सी रेखाएँ खराब है। इसमें 2 फायदे हो गए। एक, किसी का हाथ देखने के लिए आपको सरलता हुई किस तरीके से हाथ पे मिलाया जाता है। दूसरा, आपको ये भी सरलता हुई कि पता भी चला कौन सी रेखा किसको कहलाती है। जाते जाते ये जरूर मैं फिर से कहूँगा, एक रेखा सिर्फ एक चीज़ को नहीं दिखाती है। अगर ये जीवन रेखा है तो जीवन रेखा कन्या संतान को भी दिखाती है, जीवन रेखा आपके शरीर से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है, ये आपके विवाह से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है, ये वाहन के सुखों को भी दिखाती है, ये माता को दिखाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक जीवन रेखा को केवल आदमी जो है जीवन से ही जोड़ लेता है, ऐसा नहीं है। अगले वीडियो में फिर उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे।
अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।